दीपक बाबरिया जी, कमलनाथ जी, महेश यादव जी, कैप्टन अजय सिंह यादव जी, केशव चंद यादव जी, शश्वत सिंह बुंडेला जी, हमारे कैंडिडेट्स यादवेंद्र सिंह जी, ब्रजेंद्र सिंह राठौर जी, चंदा सिंह गौर जी, कैप्टन सुरेंद्र यादव जी, विक्रम चौधरी जी, पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल के हमारे सब लोग, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां दिल से बहुत बहुत स्वागत। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में चुनाव हो रहे हैं और मेरा दौरा सब प्रदेशों में हो रहा है और एक बात बिल्कुल क्लियर है, इन सब प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आपकी आवाज सुनकर भी यही लग रहा है कि मध्य प्रदेश में बदलाव की आंधी आ रही है। साढ़े चार साल पहले नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, याद है, हर कैंपेन की मीटिंग में भाइयों और बहनों 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, किसानों को सही दाम, बोनस, कर्जा माफी और प्रधानमंत्री मत बनाना, चौकीदार बनाना। क्या लाइन है, क्या लाइन है, प्रधानमंत्री मत बनाना, चौकीदार बना देना। मगर मोदी जी ने अपने भाषण में आपको यह नहीं बताया कि किसकी चौकीदारी की बात कर रहे थे। अनिल अंबानी की, मेहुल चौकसी की, नीरव मोदी, ललित मोदी। अच्छा भाइयों बहनों, आपने एक सवाल पूछा, नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी, इन सबके नाम मोदी 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 कैसे हैं? कोई 10,000 करोड़ रुपए ले गया, कोई 35,000 करोड़ रुपए ले गया और चौकीदार ने हिंदुस्तान की एयरफोर्स से पैसा चोरी करके 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की जेब में डाल दिया। 35,000 करोड़ में साल में मनरेगा चल जाती है, मतलब एक साल मनरेगा को चलाने के लिए 35,000 करोड़ रुपए चाहिए। इतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने अपने मित्र नीरव मोदी अनिल अंबानी को दिलवा दिया। यूपीए की सरकार थी, एयरफोर्स के लोग आए हमारे पास, कहते हैं हवाई जहाज की जरूरत है, 126 हवाई जहाज चाहिए। मनमोहन सिंह जी ने कहा देखो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हवाई जहाज बनेगा, कम से कम दाम में लेना, सरकारी कंपनी एचएएल 70 साल से हवाई जहाज बना रही है, वो बनाएगी। एयरफोर्स के जनरल ने बोला हां जी, सबसे बेहतर हवाई जहाज चुनकर लाए, फ्रांस का राफेल हवाई जहाज। मामला फिट हो गया,
नरेंद्र मोदी जी आए प्रधानमंत्री बने, अनिल अंबानी को फ्रांस ले जाते हैं, जादू से पता नहीं क्या होता है, 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज नरेंद्र मोदी जी की सरकार 1600 करोड़ रुपए में खरीदती है। अनिल अंबानी ने जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया भाइयों बहनों, शायद कागज का हवाई जहाज भी ना बना पाए वो, मिलिट्री हवाई जहाज छोड़ो। 45,000 करोड़ रुपए कर्जा है पब्लिक सेक्टर बैंक का, वापस नहीं देता, और कॉन्ट्रैक्ट मिलने से 10 दिन पहले कंपनी बनाई उसने। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है कि नरेंद्र मोदी जी आए हमसे मिले, हमें तो साफ बता दिया एचएल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, अनिल अंबानी को देना पड़ेगा, 1600 करोड़ रुपए में हवाई जहाज खरीदा जाएगा और हवाई जहाज फ्रांस में बनाइए, हमें कुछ लेना देना नहीं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने मीडिया को बताया, मतलब फ्रांस के राष्ट्रपति ने दुनिया की मीडिया को बोला कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोर है। और हमारे जो चौकीदार जी हैं उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, पहले हर भाषण में भ्रष्टाचार 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 भ्रष्टाचार, अब उनके भाषण सुनो, ना भ्रष्टाचार की बात होती है, ना रोजगार की बात होती है, ना किसानों की बात होती है। 15 लाख तो छोड़ो भैया, वो तो उनके प्रेसिडेंट ने कह दिया भैया वो तो जुमला था, और अगर दिल्ली से मध्य प्रदेश चलो तो यहां पे चीफ मिनिस्टर जी व्यापम वाले, ई टेंडरिंग वाले, इलीगल माइनिंग वाले। अच्छा मजेदार बात सुनो, अलग अलग स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं, राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, हर प्रदेश में इनका चीफ मिनिस्टर भ्रष्ट है। राजस्थान में चीफ मिनिस्टर के बेटे ने ललित मोदी से 10 करोड़ रुपए लिया, उधर छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी के बेटे का नाम पैनामा पेपर्स में निकला, और इधर व्यापम है, अलग अलग घोटाले हैं। गलती से पिछले दौरे में मैंने बोल दिया कि शिवराज चौहान जी के बेटे का नाम पैनामा पेपर्स में निकला, गलती कर दी, अब इतने घोटाले हैं, गलती हो गई। अब एकदम 2 मिनट में शिवराज चौहान जी कहते हैं राहुल गांधी ने मेरे ऊपर गलत बयान दिया है, मैं उस पर डिफेमेशन का केस लगा रहा हूं। अच्छा शिवराज जी एक बात बता दीजिए, आपने पैनामा पेपर्स पे मेरे ऊपर डिफेमेशन का केस लगा दिया, तो फिर आपने व्यापम पे, ई टेंडरिंग पे और इलीगल माइनिंग पे क्यों नहीं लगा? क्या ये सच है क्या? चीफ मिनिस्टर जी नहीं बोलते। मोदी जी ने कहा था किसानों का कर्जा माफ करूंगा, 3,50,000 करोड़ रुपए आपका पैसा जो आपसे नोटबंदी में लिया गया, जो आपसे रोज पेट्रोल और डीजल में लिया जाता है, 15 लोगों का इन्होंने कर्जा माफ किया है। और जब हिंदुस्तान का मध्य प्रदेश का किसान कहता है हमारा भी थोड़ा सा कर दीजिए, नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं कहते, शिवराज चौहान जी कुछ नहीं कहते। तो मैं नरेंद्र मोदी जी को मध्य प्रदेश से जवाब देना चाहता हूं। मैं उनके कमरे गया, एक बार गया हूं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पूछेंगे राहुल गांधी क्यों गया, मैं बताता हूं। उत्तर प्रदेश के किसानों ने मुझे भेजा, कहा कि देखिए जाइए उनको बताइए कि हमारा नुकसान हो रहा है, हमारे सामने सिर्फ आत्महत्या का रास्ता है,
थोड़ा सा कर्जा माफ कर दे। मैं गया, मैंने नरेंद्र मोदी जी को साफ बोला, आपने उनका माफ किया, इनका भी कीजिए, न्याय दीजिए, आपका फायदा होगा। मैं विपक्ष का नेता हूं मगर मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूं। सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया, चुप हो गए। तो मैं उनको यहां से जवाब देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार आ रही है, मध्य प्रदेश के किसानों आप अच्छी तरह सुन लो, आप अच्छी तरह सुन लो, मैं झूठे वायदे नहीं करता हूं। आप पंजाब जाओ, कर्नाटक जाओ और वहां उनसे पूछो राहुल गांधी ने कर्जा माफी की बात की थी चुनाव जीतने के बाद, हुआ हां या ना बता देंगे आपको। तो मैं आपको बता रहा हूं, देखो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठहर जाओ भैया, ठहर जाओ, कुछ भी हो जाए 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के 10 दिन के अंदर किसान का कर्जा माफ हो जाएगा। आप याद रखो, जब सूखा पड़ा था बुंदेलखंड पैकेज, हजारों करोड़ रुपए का पैकेज यूपीए सरकार ने बुंदेलखंड को दिया था। आप याद करो उस पैसे का क्या हुआ, किसानों को जो मिलना था नहीं मिला, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, चीफ मिनिस्टर के मित्रों को पूरा का पूरा पैसा मिला और किसान देखता ही रह गया। यह आपके प्रदेश की सच्चाई है। सही दाम मिलेगा, हर भाषण में मोदी जी कहते थे सही दाम मिलेगा, मिल गया, डीजल पेट्रोल में मिल गया। अच्छा दूसरी बात करता हूं, आपने बात उठाई तो मोदी जी ने कहा था हर घर को गैस सिलेंडर देंगे, बोला था ना, पोस्टर लगे ना सब जगह, सब जगह लगे हैं मोदी जी के पोस्टर। अच्छा कांग्रेस पार्टी के समय गैस के सिलेंडर का क्या दाम था, आज क्या है? तो आपसे कहा कि भैया गैस सिलेंडर मिलेगा, गैस सिलेंडर का दाम दुगना कर दिया और दूसरे हाथ से आपसे केरोसिन छीन ली, छीन ली ना, और फायदा किसको मिला? अनिल अंबानी को, उनके मित्रों को। अच्छा भैया अब आपका जवाब देता हूं, नहीं नहीं भैया उसको बोलने दो, भैया बोलने दो उसको, दिल में उसकी बात है। अच्छा अब मैं थोड़ा आपका जवाब देता हूं, अब आप सुनो, अब सुनो सुनो, देखो आपने कारखाने की बात उठाई, प्रधानमंत्री आवास में 50,000 रुपए लिए, वो चिल्ला रहा है, प्रधानमंत्री आवास में 50,000, मगर पहले वो कारखाने की बात कर रहे, आपने कारखाने की बात उठाई, मैं जवाब देता हूं। मोदी जी ने मेड इन इंडिया की बात की, मोदी जी ने मेक इन इंडिया की बात की। हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश में रोजगार कैसे मिलेगा। आज किसान मंडी में जाता है, उसको सही दाम नहीं मिलता, उसको भगा दिया जाता है, कम पैसे में उसका माल खरीदा जाता है। और आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए और सवाल पूछिए, भैया देश को भोजन कौन देता है, दो मिनट में आपको जवाब मिलेगा, पंजाब और हरियाणा हिंदुस्तान को भोजन देते हैं। मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा मैं बताता हूं। कांग्रेस पार्टी की सरकार हर ब्लॉक में, हर डिस्ट्रिक्ट में फूड प्रोसेसिंग का कारखाना लगा देगी। अब क्या होगा? नहीं नहीं सुनो भैया, आपके लिए बोल रहा हूं मैं, आपके लिए बोल रहा हूं,
हर ब्लॉक में, हर डिस्ट्रिक्ट में फूड प्रोसेसिंग का कारखाना लगेगा। जहां पर मध्य प्रदेश का किसान टमाटर उगाता है वहां टमाटर केचप का कारखाना लगेगा, जहां सोयाबीन उगाता है वहां सोयाबीन के तेल का लगेगा, जहां आलू उगाता है वहां पोटैटो चिप्स का लगेगा, और किसान के खेत के बिल्कुल पास कारखाना लगेगा। किसान जाकर अपना माल सीधा कारखाने में बेचेगा, उसको सही दाम मिलेगा, और उसी कारखाने में मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। और जब आप 5 साल बाद आज आप रोजगार ढूंढने जाते हो बाकी प्रदेशों में, मगर 5 साल बाद जब आप टूरिज्म के लिए जाओगे और आप कर्नाटक में, तमिलनाडु में, वैष्णो देवी में सवाल पूछोगे, भैया एक बात बताओ, हिंदुस्तान को भोजन कौन सा प्रदेश देता है, आपको झट से जवाब मिलेगा, हिंदुस्तान को भोजन मध्य प्रदेश देता है। किसान की भी समस्या हल, युवाओं की भी समस्या हल, यह है कांग्रेस पार्टी का कमाल। मोदी जी ने मेक इन इंडिया कहा, आप शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना, कैमरा के पीछे देखो, मेड इन चाइना, सेल्फी लो, मेड इन चाइना। मोदी जी सेल्फी लेते हैं, कैमरा के दूसरे साइड लिखा हुआ है मेड इन चाइना। मतलब हिंदुस्तान के युवाओं का पैसा उनकी जेब में से सीधा चाइना के किसी युवा के जेब में जा रहा है। आप हर बार सेल्फी लेते हो, आपको मजा आता है, मगर आप यह नहीं सोचते हो कि फायदा चाइना के युवा को हो रहा है। यह सच्चाई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के बैंक का ले गया, कितने युवाओं को नीरव मोदी ने रोजगार दिया उस 35,000 करोड़ से? जीरो। आपका नाम क्या है? श्रीराम यादव जी। अब सुनिए, अब श्रीराम यादव जी सुनिए, नीरव मोदी को, नहीं नहीं खड़े रही खड़े रही खड़े रही, लोगों को देखना चाहिए, नीरव मोदी, हां ये हुई ना बात। अब देखिए, नीरव मोदी को विजय माल्या ने, सॉरी नीरव मोदी को नरेंद्र मोदी ने 35,000 करोड़ रुपए दे दिए बैंक का, उसने किसी को रोजगार नहीं दिया। यादव जी, अगर आपको बैंक का 20 लाख रुपए का लोन दे दिया जाता, क्या आप नीरव मोदी से ज्यादा युवाओं को रोजगार दे पाते? तो यादव जी जैसे लाखों युवाओं को कांग्रेस पार्टी बैंक लोन देने का काम करेगी। वो 15 लोगों को देते हैं, वो 15 लोगों को देते हैं, हम यादव जी जैसे लाखों लोगों को मध्य प्रदेश में बैंक लोन देंगे। और मध्य प्रदेश के युवा छोटी फैक्ट्री खोलेंगे, छोटा बिजनेस चलाएंगे और मध्य प्रदेश की जनता को रोजगार दिलवाएंगे। भैया आप बैठ सकते हैं, धन्यवाद। मुकाबला चाइना से है, सीधी बात है, 24 घंटे में वो 50,000 युवाओं को रोजगार देते हैं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार 450 को देती है 24 घंटे में। और जो भरोसा युवाओं के दिल में नरेंद्र मोदी के लिए था वो टूट गया है। आज युवा नरेंद्र मोदी जी की ओर देखता है, कहता है भैया ये तो झूठा है, जुमलेबाज है, इस पर तो भरोसा नहीं करा जा सकता। देखिए आपने बात उठाई, पहले नारा हुआ करता था, मोदी जी आते थे, भाषण देते थे, कहते थे अच्छे दिन, जनता कहती थी आएंगे, मोदी जी कहते थे अच्छे दिन, जनता कहती थी आएंगे, याद है? 4.5 साल में बदलाव देखो, चौकीदार चौकीदार चौकीदार, ये देखो
समय का कमाल, समय का कमाल। साढ़े चार साल, अच्छे दिन आएंगे, चौकीदार चोर है और चौकीदार अब भ्रष्टाचार की बात कर ही नहीं सकता है। अब भविष्य की बात करते हैं। यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है और हमारा चीफ मिनिस्टर किसानों का कर्जा माफ करेगा और युवाओं को रोजगार देने का काम करेगा। और जो आपका पैसा है वो सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेजेस में जाएगा। आपसे लेकर 15-20 उद्योगपतियों की जेब में नहीं जाएगा। तो चलिए कांग्रेस पार्टी को समर्थन दीजिए, हमारे यहां कैंडिडेट्स को जिताइए और मध्य प्रदेश को बदलने का काम शुरू करते हैं। 15 साल हो गए भैया, बहुत टाइम जाया हुआ आपका। कांग्रेस के कार्यकर्ता ने मुझे बहुत सुंदर कहानी बताई। कैंपेनिंग कर रहा था, महिला ने उसे, मध्य प्रदेश की महिला ने उसे कहा, देखो इस बार तो बीजेपी जा रही है। कार्यकर्ता ने कहा क्यों? कहती है मैं तो कांग्रेस को वोट दे रही हूं। कांग्रेस के कार्यकर्ता ने उनसे पूछा, भैया एक बात बताओ, आप तो कांग्रेस को वोट दे रही है मगर आपको कैसे मालूम कि पूरे मध्य प्रदेश में जा रही है? माताएं बहनें बैठी हैं, कहती है देखो रसोई में जो तवा होता है वो 10 साल के बाद खराब हो जाता है, उस पर रोटी नहीं पकती, जल जाती है। 10 साल बाद तवे को फेंकना पड़ता है। वैसे ही हम बीजेपी के तवे को उठा के फेंकने वाले हैं, क्योंकि अब इससे हमारा काम नहीं होता, इससे रोटी नहीं बनती, रोटी जल जाती है। और जो हमारा था इन्होंने लेकर बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दिया है। तो अब हम कांग्रेस पार्टी चाहते हैं और हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस प्रदेश को बदल देगी, प्रगति ले आएगी। तो अब कांग्रेस के कार्यकर्ता एक साथ मिलकर, सब एक साथ खड़े होकर पोलिंग बूथ में कांग्रेस पार्टी को जिताना है। और देखिए मोदी जी जहां जाते हैं, नफरत, क्रोध, झूठ बोलते हैं। आप एक काम कीजिए, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, आप प्यार से काम करो, लोगों को जोड़ने का काम करो, नफरत और क्रोध की बात मत करो, हिंदुस्तान की प्रगति की बात करो। प्यार से हम बीजेपी को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हरा के दिखाएंगे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। राहुल गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जो दो दिन के क्षणिक समय में आप सब लोग विभिन्न गांव से हमारे कांग्रेस के पदाधिकारीगण, मतदाता, कांग्रेस के नेता सब लोग आए, आप सबका हम बार बार बधाई, आभार व्यक्त करते हैं। और आप सभी से अनुरोध करते हैं कि 28 तारीख के लिए आप सब लोग अपने अपने गांव में, अपने अपने मोर्चा में कांग्रेस के समर्थन के लिए जुट जाएं, अपने अपने गांव रखाएं।